The now is algorithm. This is the next algorithm, disk scheduling algorithm, is called a C scan algorithm. Last we talked about a scan algorithm, and this is a C scan. C scan stand for circular scan. सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली स्कैन तो वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने लास्ट एल्गोरिथम में देखा था, बट जो सी है वो थोड़ा सर्कुलर वे, उसका हम हर थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं वो कैसे वर्क करता है. सो अगेन क्वेश्चन अगेन वैसा ही है, ट्रैक 200 है, यानी कि हम एक ट्रैक डिज़ाइन कर लेते हैं. ये हमारा 0 से 199, ठीक है. इसमें जो हेड पोजिशन फिर अगेन वही 53 ले लेते हैं, हेड पोजिशन 53 है, और जो हमारा वैल्यू जाएगा वो हाईएस्ट जाएगा, हायर जाएगा. हायर का मतलब 53 से हायर, और हायर का मतलब जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हायर का मतलब है कि वो हाई वैल्यू तो जाएगा, इसका मतलब नहीं वहाँ पे रुक जाएगा, वो 199 तक जाएगा. क्यों? क्योंकि जो स्कैन एल्गोरिथम है वो लास्ट तक जाती है, क्योंकि एलिवेटर है जैसे लास्ट में बताया था, वो लास्ट तक लेके जाएगी. अगर हायर तो हायर, लोअर है तो जीरो तक. तो अब अगेन हम 53 से स्टार्ट करते हैं, तो 53 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हायर वैल्यू आती है 53 के बाद हमारे पास, वो आती है हमारे पास 60, यानी कि जो हेड मूव करेगा 53 टू 60 मूव करेगा. यहाँ पर 60 के बाद हमारे पास मूविंग हो जाएगी, सॉरी 79 की, 79 की जो हेड मूव करेगा वो करेगा 92 पे. 92 के बाद ये मूव करेगा हमारा 114, 4 उसके बाद है हमारा 176. इसका मतलब ये नहीं कि 176 पे ये रुक जाएगा हेड मूव, ये आपका कहाँ तक जाएगा, पूरा 199 तक, 200 ट्रैक्स पूरे कंप्लीट करेगा. अब जो हमने लास्ट स्कैन में किया था, तो हमने लास्ट तक आने के बाद सिंपल अपना पोजीशन पे आए और हमने जो लोअर वैल्यू थी 53 को उसको हमने काउंट कर लिया. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सी सर्कुलर स्कैन के अंदर ये पूरा 199 तक जाने के बाद ये जो हेड मूव है, ये हेड मूव वापस आ जाएगा अपने नॉर्मल स्थिति में, ये नॉर्मल जीरो पे आ गया. अब यहाँ से बेसिकली सर्कुलिंग स्टार्ट करेगा, यानी कि अब जो हमारी स्टार्टिंग होगी, यानी कि सबसे पहले कम कौन सा, यहाँ पे 11 11 पे आ गया, 11 11 के बाद है हमारे पास 34 और 34 के बाद हमारे पास है 41. तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये पोजीशन तक लास्ट तक गया, उसके बाद सिंपल अपना वापस आया है बैक साइड में, अपोजिट साइड में वापस आ गया. अपोजिट साइड में वापस आने के बाद ये अगेन मूव होना शुरू हुआ फॉरवर्ड, फिर अगेन मूव होना शुरू हुआ. उसने जो भी वैल्यू थी 11, 34, 41 के ट्रैक को एक्सेस किया, डेटा को एक्सेस कराया. अब सिंपल सा है, इसके अंदर हम लोगों ने अगेन सेम वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, कोई डिफरेंट नहीं है. हमारा पहले कहाँ पर मूव हुआ था, 53 to 199, यानी कि हमारा अगेन माइनस में आ जाएगी तो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 199 माइनस 53 प्लस. उसके बाद अब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं जीरो को काउंट नहीं करूँगा, अगर वो वैल्यू आई है तो मुझे जीरो को काउंट करना पड़ेगा, भले से कोई वैल्यू नहीं देगा लेकिन जीरो को काउंट करना पड़ेगा. यानी कि 199 टू जीरो तक भी ये हेड मूव हुआ है. प्लस उसके बाद कहाँ मूव हुआ है, अब 11 से मूव हो गया है, ये 11 से कहाँ पर मूव हुआ है ये आपका, यानी कि 41, यानी कि 41 माइनस 11, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये हो गया हमारा 146, ठीक है, प्लस 199, ठीक है, प्लस ये हमारा हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया ये उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया ये 30, और ये हमारा हो गया 30, और बेसिकली जो टोटल हो गया हमारा यहाँ पर, ये टोटल है हमारा थोड़ा करके आ गया टोटल हमारा 376. तो ये हमारा हेड मूवमेंट हुआ है बेसिकली इतने टाइम्स. सो दिस इज द सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन. इसमें हमारा हेड मूव लास्ट तक जाता है स्कैन की तरह, यहाँ तो पूरा स्कैन की तरह काम करा. और फिर प्रीवियस जो बैक साइड आया है ये हमारा सर्कुलर स्कैन की कैटेगरी है सी, यानी कि वापस जीरो तक आएगा और उसके बाद हमारा फिर अगेन उसी प्रोसेस में चलेगा जिस प्रोसेस में चलता है. और सिंपल इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द सी स्कैन सर्कुलर स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. थैंक यू सो मच.